चमकी बुखार यानी मस्तिष्क ज्वर, एक्यूट इन्फ्लेटाइटिस सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों का हाल जानने के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे। यहां श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उन्होंने आईसीयू में बच्चों का हाल देखा और उनके परिजनों से बात की, डॉक्टर से इलाज की जानकारी भी ली। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि मस्तिष्क ज्वर के लिए कोई वायरस जिम्मेदार है, इसका पता लगाना होगा। नीतीश दिल्ली गए हुए थे, सोमवार को ही वह पटना लौटे हैं। उधर SKMCH के बाहर पीड़ितों के परिजनों ने मुख्यमंत्री से नहीं मिलने देने पे हंगामा किया है। ये लोग अस्पताल के खराब स्थिति से नाराज थे। लोगों का कहना था कि मुख्यमंत्री से मिलकर बात करना चाहते हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उन्हें मिलने का मौका नहीं दिया। लोगों ने मुख्यमंत्री वापस जाओ के नारे भी लगाए, नीतीश कुमार मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने इसको लेके और लू से निपटने के लिए सोमवार को एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई थी। इसमें मुजफ्फरपुर के SKMCH परिसर में 100 नए बेड पेडियाट्रिक आईसीयू बनाने का फैसला किया गया। साथ ही PIS में जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्णय किया गया है। रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। बीते 14 दिनों में AES से 139 बच्चों की मौत हो चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री के ना पहुंचने को लेकर लगातार विपक्षी दल प्रदर्शन कर रहे थे। बिहार डेलीगेशन के लिए चंदन कुमार।